लेके आए आपके लिए एक नया प्रमोशनल वीडियो। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ काका के ढाबा में प्योर वेजिटेरियन पिज्ज़ा कैसे बनता है। तो देखिए, ये हमारा ही ब्रांड है और हमारा ही है। ये लोगो देख रहे हैं आप, ये लोगो आप गौर से देखिए, और इसी का ही हम पिज्ज़ा बनाएंगे। इसका यानी डेलिकेसी बेकरी है, हमारी खुद की बेकरी है, और इसका ही हम पिज्ज़ा बनाने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि पिज्ज़ा कैसे बन रहा है काका के ढाबा में और हम क्या क्या इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ पिज्ज़ा। ये देखिए पिज्ज़ा बन रहा है, हम इसमें पैकेट में से निकाल रहे हैं इसको। तो नया पैकेट खोल रहे हैं और स्पेशल पिज़्ज़ा है, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। पहले हम पिज़्ज़ा बेस को गर्म कर रहे हैं। ये पिज़्ज़ा बेस है, इसको हमने माइक्रोवेव में डाल के इसको थोड़ा गर्म किया, जिससे क्या है कि इसके अंदर का भी पक जाए। तो अभी इसके ऊपर हम लोग सॉसेस वगैरह लगाने वाले हैं। तो हमारे पास स्पेशल सॉस है पिज़्ज़ा के लिए, हमने खुद हैंडमेड सॉस बनाई है। जी हाँ, तो आप ये बनाइए इसके ऊपर। ये हमारी खुद की रेडीमेड सॉस नहीं है, ये हमारी खुद की सॉस है और इसे हमने खुद ही यहाँ पे तैयार किया है अपने काका के ढाबा में। इसके अंदर अभी हम लोग सॉसेस ऐड कर रहे हैं, इससे क्या है कि सॉस अच्छी रहेगी तो और पिज़्ज़ा भी अच्छा बनेगा। और हमारी खुद की प्योर वेजिटेरियन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इस सॉस के अंदर हमने कुछ किसी भी इंग्रेडिएंट को ऐसा नहीं डाला जिसमें कि शुद्ध जैन लोग भी खा सकते हैं इसको। तो अभी हम लोग क्या क्या ऐड करने जा रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बताइए क्या क्या ऐड हो रहा है इसके अंदर। इसमें हम लोग चीज़ ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या है कि चीज़ का ही एक अलग से फ्लेवर होता है और चीज़ का एक अलग से ही टेस्ट आता है। इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग से एक्स्ट्रा चीज़ भी डालते हैं और लोग बोलते हैं कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग वो चीज़ भी हम करते हैं इसके अंदर, एक्स्ट्रा चीज़ की टॉपिंग भी हम इसके अंदर डालते हैं। अभी क्या क्या डालने वाले हो इसके अंदर, अपना क्या बोलते हैं, अपना कैप्सिकम डालने वाला है इसके अंदर। देखो हम ये धीरे धीरे कैप्सिकम भी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। कैप्सिकम ऐड हो रहा है, कैप्सिकम ऐड होने के बाद में हम लोग क्या है इसके अंदर ओनियन भी ऐड कर रहे हैं। तो ओनियन के पीसेस भी डाल रहे हैं इसके अंदर में, जिससे क्या ना खाने में टेस्टी लगे और अच्छा भी रहे। तो कैप्सिकम के पीसेस इसके अंदर ऐड हो रहे हैं और ऑनियन भी हम डाल रहे हैं। तो अभी हम लोग दूसरा ऐड करने वाले हैं इसके अंदर बेबी कॉर्न। जी हाँ दोस्तों, तो अभी इसके अंदर बेबी कॉर्न भी हम डाल रहे हैं, जिसमें बेबी कॉर्न्स की कटिंग्स है, बेबी कॉर्न भी डाला जा रहा है इसके अंदर। और हाँ, और इसके अंदर बेबी कॉर्न ऐड करने के बाद में सारा प्रोसेस को डाले इसके अंदर दूसरा ये मशरूम डाल रहे हैं हम लोग। मशरूम जो जैसे ये डिपेंड करता है, कुछ लोग मशरूम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते। तो जो लोग मशरूम खाना पसंद करते हैं उनके लिए हम लोग मशरूम ऐड कर रहे हैं। अगर जिनको मशरूम नहीं खाना है तो वो इसको हटा भी सकते हैं, हटवा सकते हैं कि नहीं सर हमको मशरूम वगैरह नहीं खाना है इसके अंदर, तो हम वो चीज़ नहीं ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अभी तो मैं इसे स्पेशल शेफ़ की चॉइस में बना रहा हूँ कि मशरूम भी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, मशरूम सारा डाल दिया हमने। तो अभी हम लोग इसके अंदर डालने जा रहे हैं ग्रीन ऑलिव्स। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन ऑलिव्स भी इसके अंदर डाल रहे हैं। ग्रीन ऑलिव्स है, ये सारा ग्रीन ऑलिव्स डाल दिया इसके अंदर हमने। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स भी डाल रहे हैं हम लोग। तो ब्लैक ऑलिव्स भी इसके अंदर ऐड कर दिया हमने। ब्लैक ऑलिव्स भी डाल दिया, जिससे क्या ना टेस्टिंग और अच्छी बन जाए। क्या होता है कहीं कहीं पे अलग अलग रेसिपी होती है, सबकी अलग अलग रेसिपीज़ हैं। तो क्या है कि हर शेफ़ अपनी अलग से रेसिपी बनाता है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ ऐसी डाल रहे हैं जो नहीं बतानी चाहिए, फिर भी क्या है ना हम लोग इसके अंदर कैबेज वगैरह भी ऐड कर रहे हैं, जिससे खाने में और टेस्टिंग और इंटरेस्टिंग भी हो सके। ये सारा कुछ हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो अभी ये हमारा ओवन में जाने के लिए पिज़्ज़ा तैयार है। तो अभी इसको हम लोग 10-15 मिनट इसको पिज़्ज़ा को ओवन के अंदर रखेंगे। तो पिज़्ज़ा के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर भी अच्छा रहता है तो उसके ऊपर भी हम लोग 5-7 मिनट के अंदर इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा ओवन में डालिए इसको,
ये बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं इसके अंदर हमने डाले हैं और इसका एक अलग ही फ्लेवर आने वाला है। ये शेफ चॉइस पिज़्ज़ा है, तो अभी ये ओवन के अंदर जा रहा है, इसको ओवन के अंदर डाल दिया है। तो दोस्तों इसको पकने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। जब तक ये पक जाता है तब हम इसका, हाँ तो देखते हैं। पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है, देखिए अभी ये पिज़्ज़ा है ये बन के तैयार है। अभी हमने उसमें से ओवन में से निकाला है माइक्रोवेव से, ये देख के। तो यार इसकी कटिंग करो, काट के बताओ कितने पीसेस में इसको काट रहे हो। 6 से 8 पीसेस। हाँ तो ये 6 से 8 पीसेस के अंदर इसको काटते हैं। और इसके अंदर गार्निशिंग अभी बाकी है, जो कि सब जगह गार्निशिंग ऐसी नहीं होती। देखो पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है, कितना ऐसा लग रहा है माउथ बटरिंग यार, मुझे तो इसे देख के पानी आ रहा है मेरे मुँह में। अभी इसके अंदर चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो भी ऐड कर रहे हैं। ये सबकी अलग अलग रेसिपी है, हर कोई चाहे अपनी अपनी रेसिपीज बनाता है। तो ये काका के ढाबा में ऐसा अवेलेबल है, जिसमें क्या है कि सब चीज़ें अलग अलग है और हर किसी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाना होता है। तो ये गार्निशिंग वगैरह कर रहे हैं इसके ऊपर। वाह यार इतना टेस्टी पिज़्ज़ा देखने में ही ऐसा लग रहा है, तो ये खाने में कितना अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप काका के ढाबा में आएँ और इस तरीके का पिज़्ज़ा, कोई भी किसी भी तरीके का आप पिज़्ज़ा हमारे यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्योर वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है। जी हाँ, तो इस पिज़्ज़ा को देखने के लिए और खाने के लिए इसे ऑर्डर करें और हमारे जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पर हमें फ़ोन करके और पिज़्ज़ा अपना स्पेशल बुकिंग कराएँ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमें ये पता है कि हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पे बन रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ काका के ढाबा में आएँ और इस पिज़्ज़ा का आनंद उठाएं। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा पिज़्ज़ा खाने खाना खाने के लिए कब आ रहा है। थैंक यू।